एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है, इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो, आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है, पूछो कि क्या ये दुराचारी है। इन दो तीन पहलवानों, चार पहलवानों, छह पहलवानों, दस पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया। एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है, इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो, आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है, पूछो कि क्या ये दुराचारी है। इन दो तीन पहलवानों, चार पहलवानों, छह पहलवानों, दस पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।